हाई गाइज़ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो गाइज लेट्स सी कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है ट्वेंटी सिक्स ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो आपके सामने है यहाँ पे तीन ग्रुप्स जो भी ग्रुप के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वन टू और थ्री यू चूज दैट ग्रुप एंड देन लेट्स सी हाओ विल बी योर डे ऑफ टूडे ट्वेंटी सिक्स मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो आप चूज करिए अपना ग्रुप ओके okay, सो so जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर वाला ग्रुप चूज करा है लेट्स सी कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा सो so, आपके लिए कार्ड आया है नाइन ऑफ सोड्स सो थोड़ा सा आज आप मेरे को टेंशन में नज़र आ रहे हो नेगेटिव थोड़े से आप होते हुए नज़र आ रहे हो आज टेंशन लेते हुए नजर आ रहे हो आप मुझे बहुत ज़्यादा कि किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा यू नो टेंशन में हो अपसेट हो आपको नींद भी नहीं आ रही है रात को ढंग से आजकल और टेंशन तो में रह रहे हो कोई काम है आपका जो सोच सोच के आप यू नो टेंशन ले रहे हो या फिर कोई पर्सन है कोई सिचुएशन है या आपके हेडेक भी हो रहा है बहुत ज़्यादा इन दिनों राइट आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव ही फील हो जाता था अपने अराउंड की कोई आपको समझ नहीं पा रहा है मेंटली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो तो ऐसा आप वैसा फील कर सकते हो आज के दिन कि चाहे सिचुएशन जो है वो इतनी नेगेटिव नहीं भी है बट आई गेस कि जो आपका माइंड है वो उसकी ओवर थिंकिंग करके उसको और ज़्यादा नेगेटिव बना रहा है बल्कि सिचुएशन इतनी नेगेटिव है नहीं बट आप उसको ओवर थिंक करके नेगेटिव वे में सोच के आप उसको और ज़्यादा नेगेटिव बना रहे हो या फिर आपको कोई काम है जो नहीं बन रहा है तो आप वो सोच के बहुत नेगेटिव हो रहे हो आज के दिन तो थोड़ा सा अपने माइंड को आज कंट्रोल रखने की कोशिश करो आप कि आप ज़्यादा नेगेटिव ना सोचो और जितना हो सके अपना ध्यान आज आप मेडिटेशन में या स्पिरिचुअलिटी में लगाएं ओके okay, आपके लिए कंक्लूजन वाला कार्ड है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच या सो आपकी प्रॉब्लम्स का जो भी सोल्यूशन है वो आने वाला है एंड आप टेंशन मत लो ये जो फेज़ है ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम्स तो की जो बेटर सोल्यूशन हैं वो आपको मिल जाएंगे तो टेंशन लेके भी कुछ नहीं मिलना है तो इसे बेटर की सरेंडर करो और प्रेयर करो और पॉजिटिव रहो ओके okay, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपका आ ही रहा है बस ओके सो ग्रुप नंबर टू लेट्स सी कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है फिर आपका कार्ड देखते हैं वी हैव वाओ वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून सो काफ़ी लकी डे रहेगा आपका आज अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वह सॉल्व हो सकती है एंड अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं किसी के संग कुछ अनबन चल रही है कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आज सडनली आपको कोई ना कोई हेल्प कोई गाइडेंस कोई मेरिकल uh, आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है आज अगर कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी इन दिनों तो आज कुछ चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं आज डेस्टिनी आपका साथ देगी आप आज पॉजिटिव फील करोगे यू विल फील एनर्जेटिक आज आपका यू विल फील कि हाँ मैं कुछ काम करूँ कुछ पेंडिंग टास्क है वो कम्प्लीट करूँ सडनली यू नो अगर बहुत टाइम से आप बीमार भी चल रहे हो कुछ हेल्थ इशू हैं तो आज यू विल फील बेटर सो इट्स अवरऑल डे ऑफ पॉजिटिविटी बेटरमेंट गुड हेल्थ गुड रिलेशनशिप्स एंड गुड मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल बैलेंस इट्स ही गाइडेंस फॉर यू ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन तो अगर आज यू नो ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं है आज अगर प्रॉब्लम आती भी है सो डी इट विद लव गुस्सा मत करना चिल्लाना मत यू you नो know, भड़कना मत जस्ट डी टॉप कोई कुछ बोल रहा है तो ओके फाइन लेट्स फाइन ओके तो लेट्स लाइक ब्रिंग लव इन टू अचुएशन सो जितना खुद से प्यार करोगे जितना यू विल लव अदर्स उतना ही लव आज आपकी तरफ लौट के आएगा सो हैंडल सिचुएशन विद लव रदर दैन डैट एवरी थिंग इज़ वेरी गुड पॉजिटिव फॉर यू टूडे ग्रुप नंबर टू सो है नाइस डे चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर थ्री आपका आज का दिन कैसा रहेगा सो ग्रुप नंबर थ्री आपके लिए कार्ड आया है सेवन ऑफ कप्स सो या आज आपको ना बहुत सारे काम नज़र आ सकते हैं कि मैं ये भी काम करना है वो भी काम करना है ये भी वो भी ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ सो इट्स लाइक आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ लाइक काम इतने सारे हैं बट शुरुआत कहाँ से हो वो समझ नहीं आ रहा है आपको या तो आज आप मुझे बिल्कुल भी एक्शन लेते तो हुए नज़र नहीं आ रहे हो आज आप एक्शन कम लोगे बट सोचोगे ज़्यादा मतलब ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा रहोगे कि हाँ मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए मुझे ये भी करना है मुझे वो भी करना है बट एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइक यू विल बी कन्फ्यूज यू विल नॉट टेक एज मच एक्शन रिक्वायर्ड तो ऐसे कन्फ्यूज रहोगे राइट बट फाइन अगर आप इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक तो आप ब्रेक लो सोचो समझो एंड देन डिसाइड कि प्रायोरिटीज़ क्या है आपकी लाइफ की कन्फ्यूज नहीं होना है बिकॉज एक टाइम में आप एक चीज ही कर सकते हो दस चीज़ नहीं कर सकते हो सो फर्स्ट डिसाइड तो आज का दिन आप सोचो आराम से बैठ के राइट एंड रैदर दैन कि ख्याली पुलाव पकाना कि ये वो फोकस ऑन दी एक्शन कि हाँ मुझे कल से एक्शन लेना है चीज़ों पे, राइट तो फर्स्ट डिसाइड योर प्रायोरिटीज फर्स्ट डिसाइड कि मेरे को क्या चीज़ मेरे को जरूरत है पहले करने की देन टेक योर एक्शन ओके सो so, आपके लिए गाइडेंस कार्ड है वर्क थ्रू योर फ्यवर्स या तो आप डर रहे हो कोई काम शुरू करने से मतलब आपको दिख तो रहा है कि काम तो बड़ा पड़ा हुआ है मेरे पास काम तो बहुत पेंडिंग है ये भी है वो भी है ये भी है वो भी है बट यू नो जो आप डर रहे हो कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ या फिर तो लेजीनेस है या फिर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो या फिर कुछ डर है कि पता नहीं वो चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी तो अपने फ्यूर्स पर काम करो अपने अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो एंड जो भी चीज़ें हैं जो भी काम है वो करने तो आपको एक और तो करेगा नहीं आपके लिए राइट right? सो so, वो काम खत्म करो और अपने आप को मेंटली फ्री करो सो so, उस काम को अप मत करो और यू you नो know, अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकल के सी द रियलिटी सी द थिंग्स हाउ दे एग्जैक्टली आर बिकम प्रैक्टिकल टुडे एंड अपने फ्यूर्स पे वर्क करो ओके okay? सइज़ so, ये है आपकी रीडिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय टेक केयर